नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सरकार गोदी मीडिया की तरह मोबाइल मीडिया को भी मोदी मीडिया बनाना चाह रही है। जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, जिनके जरिए हम लोग और तमाम लोग जो हैं वो बेबाकी से आपके पास में खबरें पहुंचा रहे हैं, अब इन सब पर भी सरकार अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने जिस तरह से पूरी मीडिया को पहले गोदी मीडिया बनाया, गोदी मीडिया से उसको मोदी मीडिया बनाया, और अब सरकार उसी तरह से इन YouTube चैनल्स के जरिए जो आप खबरें देख रही हैं, जो ये मोबाइल मीडिया है, इस मोबाइल मीडिया को भी सरकार मोदी मीडिया बनाने वाली है। पूरी खबर जो है वो आपको तफसील से बताते हैं कि किस तरह से सरकार की तैयारी है कि इन YouTube चैनल के ऊपर अंकुश लगाया जाए, जो तमाम ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि यही सरकार की बखिया उधेड़ने का काम कर रहे हैं, यही जमीनी स्तर की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं, और सरकार शायद इसी बात से घबरा रही है, और इसीलिए जो है एक नया कानून सरकार लेकर के आई है और उसकी अधिसूचना जारी भी कर दी गई है और लागू भी हो गई है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी, ये जारी हो गई है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईबी मिनिस्ट्री के तहत लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि सरकार ने इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में पहले एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों को नियमन रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मीडिया टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है। आपको मालूम होगा किस तरह से फर्जी टीआरपी का केस था, आपको मालूम होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक केस गया था, और उस केस में जो है ये कहा गया था कि जो ये चैनल है, जो टीवी चैनल है, वो टीवी चैनल जो भड़काऊ जो बातें कह रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, इस तरह की बात जो है उसमें कही गई थी, जिसमें रिपब्लिक टीवी का भी नाम था, और उसी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इसके ऊपर जो है वो इसको देखे और सरकार जो है इसको कंट्रोल करने का काम करे, क्योंकि तमाम जो चैनल है, टीवी चैनल है, वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तब सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो टीवी चैनल है वो तो हमारे अंडर आते ही आते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है, जितने भी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है जिसमें यूट्यूब चैनल भी है, वो सब जो है वो हमारे अंडर में नहीं आते हैं, और उनसे जो है ज्यादा भड़काऊ सामग्री जो है वो लोगों में फैलती है, ज्यादा खबरें जो है वो वायरल होती है, इसीलिए उनके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और अब सरकार जो है इसलिए तमाम ऑनलाइन न्यूज पोर्टल हैं उनको अपने अंडर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंडर जो है वो सरकार लाने के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्वायत्तता नियमन की मांग करने वाली याचिका को लेकर के केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा था। इस याचिका में कहा गया था कि इन प्लेटफॉर्म्स के चलते फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट को सेंसर बोर्ड के डर और सर्टिफिकेशन के बिना अपना कंटेंट रिलीज करने का मौका मिल गया है। बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर न्यूज पोर्टल के साथ साथ हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आते हैं। मंत्रालय ने अदालत को एक अन्य केस में बताया था कि डिजिटल मीडिया के नियमन की जरूरत है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि कोर्ट में हेट स्पीच को देखते हुए गाइडलाइन जारी करने से पहले एमिक्स के तौर पर एक समिति नियुक्त कर सकता है। ये जो है वो सरकार की तरफ से कहा गया था। हेट स्पीच का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, और तब सरकार ने कहा था कि जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है उनके ऊपर एक नियमन करने की, एक समिति की जो है जरूरत है, सरकार की तरफ से जो है ये कहा गया था। पिछले साल सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि मीडिया की स्वतंत्रता पर कोई असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ फिल्म्स पर भी जिस तरह का नियमन है उसी तरह का कुछ न कुछ नियमन और ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए। सरकार ने पहले कहा था कि वो मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर जो है कोई अंकुश नहीं लगाएगी, लेकिन अब सरकार जो है पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी कर चुकी है और अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। मुद्दे की बात को समझिए, मुद्दे की बात यह है कि सरकार जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जितने भी फेसबुक के ऊपर पेज चल रहे हैं, जितने भी यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन क्लास वाले जो यूट्यूब चैनल हैं, उन सबको जो है सरकार अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंडर लाना चाह रही है,
और सरकार लेकर के आ रही है और इसके तहत जो है वो अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब जितने भी YouTube चैनल हैं वो या तो सरकार की मनमर्जी के मुताबिक उनको न्यूज चलानी पड़ेगी, उनको कंटेंट जो है वैसा ही रखना पड़ेगा, या सरकार जो है उन पर एक्शन लेगी। ये अब साफ हो गया है। तो अब ऐसे में आप बताइए कि जितने भी YouTube चैनल चल रहे हैं क्या वो सरकार के मन मुताबिक खबरें चला पाएंगे? और अगर सरकार के मन मुताबिक खबरें चलाएंगे तो आप बताइए कि यूट्यूब चैनल है उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सरकार के मन मुताबिक जो खबरें हैं वो तो टीवी पर चल रही थी, टीवी पर आप लोग नहीं देख रहे थे, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यूट्यूब पर आ गए। यूट्यूब पर बड़े बड़े पत्रकार भी आ गए जो लोग टीवी से निकाले गए थे, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, ये तमाम बड़े बड़े नाम जो है वो भी यूट्यूब चैनल पर आ गए, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि जब जो है टीवी पर खबरें नहीं दिखाई जा सकते हैं, टीवी पर नहीं बोला जा सकता है, तो यूट्यूब पर आकर के हम अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने यूट्यूब पर आकर के अपने चैनल बनाए। लेकिन अब यूट्यूब पर भी सरकार जो है वो अंकुश लगा रही है, सरकार तमाम ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर अब अंकुश लगा रही है और सरकार ने जो है इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एक तरफ जो है गोदी मीडिया सरकार के लिए पहले ही प्रोपेगेंडा करने का काम करती थी और अब सरकार चाहती है कि यूट्यूब चैनल पर भी ऑनलाइन जितने भी पोर्टल चल रहे हैं उनके जरिए भी उन्हीं का प्रोपेगेंडा चले। अगर नहीं चलेगा तो फिर उन पर डंडा चलेगा, उन पर कार्रवाई होगी, और जरा भी इधर उधर कोई चैनल चलेगा उस पर कार्रवाई होगी, उसको बंद कर दिया जाएगा या सरकार की मनमर्जी के मुताबिक जो है उसको चलना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी को आज जो है वो जमानत दे दी गई और इस बात का बहुत गहरे मायने हैं। कोई अगर सरकार की चाटुकारिता करेगा तो किस हद तक जो है सरकार उसको बचाने के लिए जा सकती है, ये प्रमाण है इस बात का। और कोई सरकार के खिलाफ जाएगा तो सरकार उसको किस तरह से तहस नहस कर सकती है, ये भी प्रमाण है। एनडीटीवी की रेटिंग आपने देखी होगी, आज तक एनडीटीवी की जो रेटिंग है वो उठ नहीं पाई है, क्या वजह है उसकी, ये समझना चाहिए। रवीश कुमार का जो प्रोग्राम है, रवीश कुमार का जो प्राइम टाइम आता है सबसे पॉपुलर है, लेकिन उसके बावजूद सबसे कम टीआरपी आती है एनडीटीवी की, क्यों है ऐसा? ये सवाल है और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। और दूसरी तरफ जो है अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, दीपावली की छुट्टी है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट खुलता है, सुप्रीम कोर्ट खुल करके जमानत दे देता है। एक तरफ अगर आप ये सीधे सीधे संकेत है सरकार की भक्ति करेंगे, सरकार के साथ रहेंगे तो सरकार अंतिम कदम तक आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन वहीं पर अगर आप सरकार के पोल खोलने का काम करेंगे तो सरकार आपकी टीआरपी गिरा देगी, आपके चैनलों पर अंकुश लगाएगी, ये साफ साफ दिख रहा है। और अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर भी जिस तरह से अंकुश लगाने की तैयारी सरकार कर रही है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो तमाम यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं वो चल पाए। या तो सरकार के मन मुताबिक उनको चलना पड़ेगा या फिर जो है उनको बंद करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है उसके बाद में क्या वाकई जो है YouTube पर काम करना मुश्किल हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि YouTube पर अगर बंद हो गया तो कहीं और सही, लेकिन यह आवाज तो निकल करके रहेगी। हमारी भी यही कोशिश है कि आवाज जरूर उठेगी, यहां नहीं तो कहीं और उठेगी, लेकिन आवाज आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, जनता के हक की आवाज, गरीब के हक की आवाज, मजलूम के हक की आवाज, वंचित के हक की आवाज हम लोग जरूर उठाएंगे, चाहे वो किसी भी सरकार की अगर उसके मुखालपत करनी पड़े, बीजेपी सरकार की मुखालपत करनी पड़े तो हम करेंगे, कांग्रेस सरकार की मुखालपत करनी पड़े तो हम करेंगे, अन्य क्षेत्रीय दलों की मुखालपत अगर करनी पड़े तो हम करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ अगर रहकर पत्रकारिता करनी है तो करनी है। उसमें सरकार को अगर आंच आती है तो भले ही आए, चैनल अगर सरकार बंद करना चाहती है तो भले ही बंद करे, लेकिन आवाज बंद नहीं होगी। सरकार चाहे अधिसूचना जारी कर चुकी है लेकिन आवाज बंद नहीं होगी और इसी तरह से लगातार बेबाकी के साथ में आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपसे इसी तरह से खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सरकार ने जो ये नियम पास किया है, सरकार ने जो अधिसूचना जारी कर दी है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई यूट्यूब चैनलों पर अंकुश लगाना जरूरी था, या आपको लगता है कि सरकार जो है ये अब तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और ये अंकुश लगा करके सरकार जो है वो मोबाइल मीडिया को भी मोदी मीडिया बनाना चाहती है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।